आप जिस प्रकार से देख रहे हैं कि आए दिन अराजकता फैलाई जा रही है, और अब तो हद इस बात की हो गई, अभी तक तो हमारे शिव को ग्रिल से छेद कर दिए, उसको फब्बारा बना दिए, उस पर वजू करते रहे, थूकते रहे, हाथ धोते रहे, इसके बाद भी सनातन धर्म अमृत शांतिपूर्वक उसको सुनते रहे और धार धारण करते रहे कि शांति बनी रहे, अराजकता ना फैले। लेकिन आज तो हद हो गई, आज तो इस प्रकार से कि एक बेटी ने, जो उनके कुरान में लिखा है, भारत की बेटी नूपुर शर्मा ने अगर कह दिया कि वो भी तब जब हमारे शिव जी को फुटपाथ पर कहने वाले कि हर फुटपाथ पर शिव जी हैं, जब यह कहने वाले लोग सामने आ गए कि पर्सनल पार्ट को पूछते हैं हिंदू लोग, तो इस प्रकार के जब अपमान भरे शब्द हमारे शिव जी को किया जा रहा, हमारे राम जी को किया जा रहा, हमारे कृष्ण को बोला जा रहा है, इसके बाद भी सनातन धर्म भी शांतिपूर्वक सुन रहा है और अराजकता नहीं फैला रहा है, किसी प्रकार का क्रोध नहीं कर रहा। लेकिन ये जो इनके मौलवी हैं बैठ करके मस्जिदों से ऐलान कर रहे हैं और कह रहे तुम आओ मस्जिद में इकट्ठा हो, अराजकता फैलाओ, ईंट पत्थरबाजी करो, तो इस प्रकार का ये कब तक चलेगा? इसलिए शासन प्रशासन के माध्यम से बताना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से जुम्मे की नमाज में अभी आपने कानपुर में दंगा देखा, कल आपने इलाहाबाद में देखा, झांसी में देखा, हर जगह इस प्रकार से मतलब क्या सिखाया जा रहा है, जो कि लोग बाहर आते ही बौखला जाते हैं और इस बार पत्थरबाजी करने लगते हैं, प्रशासन के ऊपर पत्थरबाजी करने लगते हैं, लोगों पत्थर फेंकने लगते हैं, घरों पत्थर फेंकने लगते हैं, ये कब तक आकर अराजकता चलेगा? इसलिए तत्काल बैन करना चाहिए और वहाँ पर सीसी कैमरे लगा करके देखना चाहिए कि वहाँ पर क्या क्या पढ़ाया जा रहा है और क्या सिखाया जा रहा है, क्या किया जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों पर आज संत समाज ने बैठक की है कि इस प्रकार की अराजकता होगी तो देश अशांत हो जाएगा और हम देश को अशांत नहीं करना चाहते।